दक्षिण कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही वार्षिक अमरनाथ तीर्थयात्रा के लिए आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अब पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। बम बम भोले की गूंज के साथ 27 जून को अमरनाथ की पवित्र यात्रा शुरू हो गई थी। 29 जून को पहले जत्थे ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। अब तक सामने आए आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन कुल 13,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। बहुत अच्छी व्यवस्था मिलती है हमारे को, बहुत अच्छी मिलती है। हर भंडारे में व्यवस्था अच्छी मिल रही है, साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी मिल रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर अमरनाथ यात्रा आरंभ होने पर तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि बाबा बर्फानी के दर्शन कर शिव भक्तों में असीम ऊर्जा का संचार होता है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार अमरनाथ गुफा मंदिर की सुरक्षित, सुगम और सुखद तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरनाथ यात्रा को लेकर इस बार सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ पुलिस और सुरक्षा बल भी कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। और देखिए, दुनिया में लोगों के अजब गजब शौक है। बिहार की बात करें तो यहाँ भी ऐसे ही शौकीन शख्स हैं जो सोने की बुलेट से सवारी करते हैं। देखिए तस्वीरें। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स को सोने का ऐसा शौक चढ़ा कि गले में गोल्डन चेन की मानो दुकान सजा दी। उंगलियों में भी सोने की अंगूठियों की भरमार है। पूरे देश में ये गोल्ड बैंड के नाम से जाने जाते हैं। गोल्डन कलर की ये चमचमाती हुई सोने की बुलेट की सारी खासियत बुलेट वाली ही है, लेकिन इसके बॉडी पर 24 कैरेट गोल्ड की परत चढ़ाई गई है। लगभग 200 से 300 ग्राम सोने की परत चढ़ाई गई है और इसमें करीब 13 से 14 लाख रुपए खर्च हुआ है। पूरा नहीं, लेकिन इसमें 150-200 ग्राम लगा है, 11-12 लाख रुपया लगा है और तब आई है बेंगलोर से बनके, 7-8 महीना टाइम लगा है। प्रेम सिंह की सिर्फ बुलेट ही सोने की नहीं है, बल्कि इनके शरीर पर सोना ही सोना नजर आता है। गले में कई तोले सोने की मोटी मोटी चेन, दोनों हाथों में उंगलियां भी सोने की अंगूठियों से भरी हुई हैं, और दोनों हाथों की कलाई में गोल्डन कड़े भी हमेशा पहने रहते हैं। इनके शुभचिंतकों को इस बात का डर रहता है कि कहीं कोई इन्हें लूट ना ले, लेकिन इन्हें बिहार की नीतीश सरकार पर पूरा भरोसा है। और देखिए, देश के कई हिस्सों में मॉनसून दस्तक दे चुका है। कुछ राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वो दूसरी तरफ कई जिले ऐसे भी हैं जहां ये आफत बन चुकी है। आसमान में राहत के बादल छाते ही लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये बादल बरसते हैं लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में बरस रहे बादल कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। मथुरा की ये तस्वीरें देखिए। झमाझम बारिश ने शहर के प्रमुख स्थानों को तालाब बना दिया। रास्ते में चलते हुए आपको खुद लगेगा कि जैसे आप कोई छोटी सी नदी पार कर रहे हैं। हालांकि जो गाड़ी में बैठकर इस छोटे से तालाब को पार करने की कोशिश कर रहे थे वो भी फंस गए। बिहार के बख्तियारपुर का हाल भी कुछ ऐसा ही था। थोड़ी देर की बारिश के बाद पूरे बाजार में पानी भर गया। पहली बारिश में ही प्रशासन की व्यवस्था बह गई। दुकान में पानी घुस जाने से कपड़े और राशन दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ। फुटपाथ पर फल और सब्जी बेचने वाले भी सड़क पर पानी भर जाने से काफी परेशान दिखे। राजस्थान के धौलपुर में तो 1.5 घंटे की बारिश हो गई, जिसके बाद रास्ते और गलियां 4 इंच पानी में गायब हो गए। मूसलाधार बारिश का सबसे बड़ा कहर शहर के मुख्य बाजार में दुकानों पर पड़ा। यहां बहता हुआ बारिश का पानी दुकानों के अंदर चला गया, जिसे वापस बाहर निकालने में दुकानदारों को खासी परेशानी हुई। मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का अजीबोगरीब बयान अब सामने आया है। उन्होंने पुरुषों की शराब छुड़ाने की महिलाओं को अजीबोगरीब सलाह दी है। भोपाल में नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने महिलाओं को सलाह दी कि वो अपने पति को घर लाकर शराब पीने को कहें। पहले तो उसे इस तरीके से बताएं कि आप बाजार में कहीं मत पियो, आप तो ले आओ, वो खाना खाओ मेरे सामने हो। मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि अगर पत्नी अपने पति को मनाने में कामयाब हो गई, तो ये नुस्खा काम करेगा और पति की शराब छूट जाएगी। सामने पिएंगे उनकी लिमिट कम होती जाएगी, धीरे धीरे वो बंद के कगार पे आ जाएगा, उसे शर्म ये आएगी कि मैं अपनी पत्नी या बच्चों के साथ में शराब पीऊंगा। पतियों की शराब छुड़ाने के लिए मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने पत्नियों को जो ज्ञान दिया उस पर अब सियासत हो रही है। वहीं ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
दक्षिणी चिली का शहर पोर्वेनिर का तट इन दिनों जम सा गया है बर्फ में। दरअसल सालों बाद इस इलाके में ऐसा नजारा देखा जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्थानीय लोग इस तरह की बर्फ देखना भूल गए थे। दक्षिणी चिली के शहर पोर्वेनिर के लोग जब शनिवार की सुबह सोकर उठे तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने समंदर को जमा हुआ पाया। प्रशांत महासागर के जमे हुए पानी को देखकर जहां लोग बेहद खुश थे, वहीं ड्रोन ने प्रशांत महासागर के उन हिस्सों को भी लोगों के सामने ला दिया जहां सामान्य दिनों में पहुंचना भी बेहद मुश्किल है। दरअसल ये नजारा दशकों पहले आम हुआ करता था, लेकिन हाल के वर्षों में इस तरह का नजारा मानो गए जमाने की बात हो गया था। ड्रोन फुटेज में बर्फ से ढके शहर के साथ साथ कई मीटर तक फैली जमी हुई लहरें भी साफ दिखाई दे रही हैं, जो कि मैग्नल और चिली अंटार्कटिक क्षेत्र में मौजूद है। हालांकि सर्दियों की शुरुआत में इस इलाके में ठंडे तापमान की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस साल चिली वेदर साइंस एजेंसी के मुताबिक पुंटा एरेनास ने 1964 के बाद से जून में सबसे कम तापमान का तजुर्बा किया है। और आइए अब आपको एक घातक मंजर दिखाते हैं। ये मंजर स्लो स्पीड कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। बिल्कुल, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सैनिक RPG-7 की टेस्टिंग कर रहा है और तभी बैकफायर हुआ और तेज धमाके के साथ ये सैनिक घायल हो जाता है। लेकिन गनीमत की बात ये रही कि इतने बड़े धमाके के बाद भी इस सैनिक की किसी ने साथ दे दिया, सैनिक बच गया है, ये राहत की बात है। हालांकि धमाके के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गया, लंबे इलाज के बाद वो ठीक हो पाया। Z News.